गाइस रात के बज चुके हैं 7:30 और मैं जो है डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैंने सोचा है कि मैं सैंडविच बनाऊँगी, जो आलू मसाला सैंडविच होता है वो बनाए नॉर्मल देसी स्टाइल में। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ आलू मैंने आलू ले लिए हैं और पहले जो है इनको मैं पानी में वॉश कर दूंगी पहले। पानी रख दिया है मैंने कुकर में, ताकि यह छील लेते हैं। फिर सीधा इसको, तो पानी भी उबल रहा है वैसे भी कुकर वाला, क्योंकि क्या ये है ना थोड़े नए वाले आलू तो इसके छिलके बहुत पतले होते हैं। तो फिर मैं इसको छील के डाल, ज़्यादा आलू होते हैं ना तो मैं इसको छीलती ही नहीं, मैं इसको ऐसे ही डाल देती। फिर जो ठंडा पड़ता तब मैं डालती इसको, ठंडा ये हो जाता तब। आलू उबलते हैं तब तक हम जो है चटनी की तैयारी कर लेते हैं, धनिया चटनी जो सैंडविच के साथ बनेगा वो, और सॉस तो पड़ा है जो रेडीमेड रहता है घर पे। तो सॉस और चटनी के साथ सैंडविच बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी लगता है, मेरी तो फेवरेट है सैंडविच। धनिया लेके हमें बाहर बैठे साथ में टीवी भी देखूँगी और धनिया भी साफ कर दूँगी, सैंडविच चटनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग बहुत सारे डिशेस बना रहे हैं, ठंडी का सीज़न है तो कुछ ना कुछ तो भाते ही रहता है सबको। तो मुझे आज सैंडविच भा रहा था तो इसीलिए मैं आज सैंडविच बना रही हूँ। और ये मैं लेके आ गई धनिया, जो उस दिन मैंने ऑनलाइन ही मंगा लिया था अमेज़न से जिस दिन हम आए थे घर। तो अभी मैं इसको साफ़ करूँगी और इसके बाद इसको धो के, हरी चटनी को, हरी मिर्ची को धो के फिर है ना इसकी हरी चटनी बना दूँ। जो चाट में चटनी बनती है ना सिर्फ मिर्ची और धनिया और नमक, बस उसकी मैं आज बनाने जाऊँगी। तो आइए चलो धनिया साफ करते हैं। धनिया जो है चटनी बनाने के लिए साफ़ हो गया है और मैं जो इसको 2 से 3 पानी से एक बार अच्छे से वॉश कर लूँगी। और इसमें जो मैंने आपको पहले बताया था कि मैं जो इसमें धनिया, हरी मिर्च और नमक और बस इतना ही डालती हूँ इसमें, और थोड़ा सा पानी अगर आपको चाहिए तो इतना ही धनिया अवेलेबल था और मिर्ची मंगाई नहीं थी। तो पुरानी जो फ्रिज में 4-5 मिर्ची थी अच्छी वाली वो इसमें मैंने डाल दी है और थोड़ा सा नमक।
क्योंकि हम दो जन का ही है सैंडविच, और चीकू तो बच्चे तो अभी कैसा खाते हैं पता ही है आपको। तो क्या है ना कि दो जन के हिसाब से तो इतनी चटनी बहुत है, बहुत कम ही चटनी बनने वाली है, पर एक बार चल जाएगा। मुझे क्या है ना, चटनी के बिना नहीं चलता है सैंडविच में, चटनी तो चाहिए और सॉस तो रहता ही है घर पे। तो अब मैं इन तीनों को है थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक डाल के इसको एक बार ग्राइंड कर लूँगी मिक्सी में। अब ये थोड़ा सा ही है ना, तो एक बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है ग्राइंड करना, पर तो भी ये हो गया, लकीली ये हो गया बहुत अच्छे से। पर थोड़ा सा इसमें पानी मुझे कम लग रहा है, तो एक बार। और ये क्या है, चाट में जो बनाते हैं ना चटनी, उस टाइप की चटनी, एक मूंगफली की होती है लेकिन ये विदाउट मूंगफली की चटनी है। तो बस हम दोनों के हिसाब से तो बन गई है चटनी, और हम दोनों के लिए तो बहुत है इतनी चटनी। चीकू चटनी खाता नहीं है, वो तो सॉस भी नहीं खाता है, सैंडविच खाएगा तो वो भी बहुत है। तो बस ये बन गई चटनी, हरी हरी चटनी, वाह। और साइड में जो है, पहले भूल गई थी मैं, पहले आलू को निकाल के रख देती तो तब तक ठंडे हो जाते। खैर मैंने इसके तो जो छिलके निकाल ही दिए थे पहले, तो बस ये ठंडे होने की ही टाइम है इनकी। तो आलू भी बहुत अच्छे से हो गए और निकल ही नहीं रहे थे, स्लिप हो रहे थे, नाइफ से भी चाकू से स्लिप हो रहे थे। मसाले में है लाल मिर्च पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक ये डाला हुआ है इसमें सारा, और थोड़ा सा नींबू डाला हुआ है इसमें। तो अब आलू जो है वो रेडी हो गए, ठंडे हो गए, और मैं इसको एकदम शॉर्टकट तरीके से इसको फ्राई करने, फ्राई नहीं मतलब जो वघार बोलते हैं वो थोड़ा सा देने वाली हूँ, वघार। तो थोड़ा सा इसमें मैंने वघारी में ले लिया है ऑयल और जीरा, मस्टर्ड सीड यानी कि राई और हींग डाल के इसका तड़का एक बार ऊपर लगा दिया है। वो कड़ी पत्ता और मिर्ची तो अवेलेबल नहीं थे, अभी कल से लाएंगे क्योंकि लाए हुए नहीं थे। तो बस इसको थोड़ा सा नमक डाल के, लाल मिर्च पाउडर और सब डाल के मिक्स कर दिया, हल्दी और ये धनिया से सजा दिया है इसको। चीकू और चीकू के डैडी खाना खाने बैठ गए हैं, ये गए अपने। कैसा बना चीकू, यम्मी में है का?